गाइस कैसे हैं आप सब। मैं हूं आरग्रेट विकास और स्वागत करता हूं आपके चैनल एवी स्टूडियो के अंदर। आज का डिजाइन देखेंगे दोस्तों, 3 BHK का हाउस प्लान है। बड़े साइज के प्लॉट के अंदर आप इस प्लान को बना सकते हैं। 56 बाय 60 फीट के अंदर हमने जो हमारा फ्लोर प्लान है वो कवर किया है। 2500 स्क्वायर फीट एरिया लगभग इसका बनता है। 3 BHK का हाउस प्लान रहेगा विद 2 कार पार्किंग गैरेज। एस्टिमेटेड इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 21.25 लाख रहेगी। लगभग 21 लाख में आपकी जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है पूरी होगी फॉर द ग्राउंड फ्लोर। प्लान की की फीचर्स देख लें तो स्टेयरकेस इनसाइड से रहेगी। एंट्री पोर्च, एंट्रेंस फॉयर, 3 BHK हाउस, लॉन्ड्री, लिविंग, किचन, डाइनिंग, 2 टॉयलेट्स, गैरेज, आउटडोर सेटिंग विद डेकिंग। सो प्लान काफ़ी अच्छा होने वाला है। प्लान को अंत तक दिखेगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें सो दैट हमारी कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। प्लान की तरफ चलेंगे, आइए। सो गाइज, ये हमारा प्लान है। सबसे पहले आप डायमेंशन देखेंगे, 56 फीट जो है चौड़ाई है, 60 फीट जो है गहराई है प्लॉट की। एंट्री करते हैं, एंट्रेंस फॉयर रहेगा, पोर्च है, 11 फीट 3 इंच बाय 9 फीट 6 इंच का आपका एंट्रेंस पोर्च रहेगा। 2 स्टेप्स के बाद अब अपने प्लिंथ लेवल पे पहुंच रहे हैं इस तरीके से। एंट्रेंस एंट्री पे आप देखेंगे आपको 8 फीट का स्पेस मिल रहा है, जिसके अंदर अपने 5 फीट का आपका दरवाजा रखा है, 2 पल्लों का, 1.5 फीट की आपकी 2 विंडोज रहेंगी। सो दैट जो एंट्रेंस फॉयर है उसके अंदर आपकी लाइट एंड वेंटिलेशन रह सके। राइट साइड में देखेंगे आपके पार्किंग स्पेस रहेगा, जिसके अंदर आप आराम से 2 कार पार्किंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे 2-3 2 व्हीलर भी रख सकते हैं। साइज रहेगा 19 फीट 3 इंच बाय 24 फीट का। ये देखिए इस तरीके से आप एंट्री करेंगे। 12 फीट का हमने यहाँ पे स्लाइडिंग गेट रखा है एंड ये स्पेस रहेगा घर के एंट्रेंस के लिए। एंट्रेंस के लिए हमने 3 फीट 3 इंच का दरवाजा आपके एंट्रेंस फॉयर में भी इसको ओपन किया है। यहाँ की लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए देखेंगे हमने 6-6 फीट के 2 वेंटिलेटर दिए हैं, जो कि आपके स्लैब हाइट पे रहेंगे। तो एंट्री करते हैं अब एंट्रेंस फॉयर में। 11 फीट 7.5 इंच बाय 12 फीट 6 इंच जिसकी डायमेंशन रहेगी। लगभग स्क्वायर आपका बॉक्स रहेगा जो एज एन एंट्रेंस फॉयर यूज में आएगा। यहाँ पर आप अपनी प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं या आप अपनी अलमीरा सूर्य वगैरह भी यहाँ पर रखवा सकते हैं। आगे की तरफ चलेंगे, आपको यहाँ से दिख रही है शेयरकेस अब चलती हुई। विड्थ रहेंगी 4 फीट, रेड है इसका 10 इंची, एंड राइजर रहेगा आपके हाइट के अकॉर्डिंग 6-6.5 इंची के आसपास आपका यहाँ पे राइजर रह सकता है। सामने की तरफ आप देखेंगे 8 फीट की ओपनिंग है। यहाँ पर आपकी लेफ्ट साइड में देखेंगे 4 फीट की ओपनिंग है। इधर से आप देखेंगे आपका जो है बेडरूम वाला एरिया रहेगा। सामने की तरफ आप देखेंगे आपका लिविंग, किचन एंड डाइनिंग एरिया रहेगा। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ चलेंगे लिविंग एरिया में। सो ये हमारा लिविंग, किचन एंड डाइनिंग स्पेस है। इस तरीके से काफ़ी बड़ा हमने ब्रॉडली इसको डिज़ाइन किया है। लिविंग एरिया का साइज़ देखेंगे 19 फीट 3 इंच बाय 20 फीट 9 इंच है। इस तरीके से आप सेंटर में सिटिंग रखेंगे विद आपकी टीवी पैनल। अगर आपको लगाने की रिक्वायरमेंट है तो आप इस वॉल यहाँ पर अपनी वुडन पैनलिंग करवा के इस वॉल को एज एन टीवी पैनल यूज़ कर सकते हैं। ये कॉर्नर आपके पास एक अलग बसता है, यहाँ पर भी आप अपनी सिटिंग सोफ़ा, सिंगल बेड भी यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं। सामने की तरफ देखेंगे 6 फीट का आपका दरवाजा रहेगा, जो कि पीछे डेकिंग रहेगी, ओपन सिटिंग है, उस तौर पे आप इसको यूज करेंगे। डायमेंशन रहेगी 18.5 बाय 9 फीट, 4.5-4.5 फीट की आपकी यहाँ पे विंडो रहेगी फॉर लाइट एंड वेंटिलेशन ऑफ लिविंग एरिया। यहाँ से आप किचन एरिया देखेंगे, यहाँ से आप किचन में एंट्री करेंगे। साइज रहेगा 12 फीट बाय 10 फीट। इस तरीके से एल टाइप में आपकी स्लैब रहेगी। यहाँ पर हमारा गैस स्टोव का साइन रहेगा। ये स्पेस है हमारा एज एन डाइनिंग काउंटर प्लस वर्किंग काउंटर यूज होगा। 2 सीटिंग आप यहाँ पर इस तरीके से रख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे 3 फीट 3 इंच वाइड आपकी ओपनिंग रहेगी, जिसे आप एंट्री करेंगे अपने यूटिलिटी एरिया में। डायमेंशन देखेंगे 11 फीट 8 इंच बाय 6 फीट। इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी वॉशिंग के एरिए के तौर पे इसको यूज करेंगे, सो दैट आपके जो गंदे बर्तन हैं वो कहीं से भी विजिबल ना हो। प्लस आप जो ये स्लैब है यहाँ पर आप एज एन स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं। पीछे देखेंगे दोस्तों डाइनिंग एरिया रहेगा आपका। डायमेंशन रहेगी 12 फीट बाय 15 फीट 6 इंच। 12 फीट जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, 15 फीट 6 इंच जो है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है, जहाँ पर आप अपनी आराम से एक डाइनिंग रख सकते हैं, जिस तरह आप 6 सीटर 8 सीटर डाइनिंग प्लेस कर सकते हैं। 8 फीट की आपकी विंडो रहेगी इस वॉल पे, 6 फीट की विंडो रहेगी आपकी किचन प्लस डाइनिंग एरिया के अंदर जो मिड एरिया रहेगा वहाँ पर। तो ये हमारा कम्प्लीटली जो था पब्लिक एरिया था, जिसके अंदर आपके गेस्ट वगैरह जो एंट्री करेंगे वो रह सकते हैं, वो आ सकते हैं, सिटिंग कर सकते हैं, एंजॉय ले सकते हैं। बेडरूम की तरफ चलेंगे दोस्तों, यहाँ से आप 4 फीट के पैसेज में एंट्री कर रहे हैं, जिससे आप आपको सामने दिख रहा है एक टॉयलेट, जिसका साइज रहेगा 8 फीट 6 इंच बाय 8 फीट 1.5 इंच, जो कि एक कॉमन टॉयलेट है, जो कि नीचे के 2 बेडरूम प्लस आपका कोई गेस्ट एंट्री रहती है तो वो भी इस टॉयलेट को यूज़ करेंगे। वेंटिलेशन के लिए 2-2 फीट के आपके वेंटिलेटर रहेंगे टॉयलेट में। टॉयलेट का लेआउट देखेंगे, 2.5 फीट का आपका दरवाजा रहेगा,
एंट्री करते हैं। यहाँ पर आपका वॉश बेसिन रहेगा, सामने आपका ग्लास पार्टीशन रहेगा जिससे आपकी यहाँ पर WC रहेगी, पीछे की तरफ आपका जो पार्टीशन हो गया वहाँ पे बेदिंग एरिया रहेगा। सामने की वॉल पे आप वार्डरोब वगैरह रख सकते हैं, 4 फीट ये स्पेस रहेगा दोस्तों। नीचे देखते हैं, 2 बेडरूम रहेंगे। पहले बेडरूम में एंट्री करते हैं, साइज रहेगा 12 फीट 1.5 इंच बाय 13 फीट। इस तरीके से आप बेडरूम का लेआउट करेंगे, इस तरीके से बेडिंग रहेगी। टीवी पैनल की रिक्वायरमेंट है तो सामने आप टीवी पैनल लगा सकते हैं। यहाँ पे आप अलमीरा देंगे 7.5 फीट की, नीचे हमने 6 फीट की विंडो दी है दोस्तों। सेकंड बेडरूम में चलेंगे, साइज रहेगा 10 फीट बाय 13 फीट। बेडिंग इस तरीके से लगाते हुए सामने टीवी पैनल लगाएंगे, 6 फीट की आपकी वार्डरोब रहेगी, 3 फीट 3 इंच का आपका दरवाजा रहेगा, प्लस आपकी 6 फीट की यहाँ पे विंडो रहेगी। इस तरह देखिए, हमने आपका स्टोर कम लॉन्ड्री निकाल रहा है, आप इसको चाहे तो एज एन लॉन्ड्री वॉशिंग एरिया यूज कर सकते हैं, चाहे तो एज ए स्टोर यूज कर सकते हैं। साइज रहेगा 9 फीट 3 इंच बाय 5 फीट 9 इंच, 5 फीट का इसका दरवाजा रहेगा। पीछे की तरफ चलते हैं, आपका मास्टर बेडरूम रहेगा दोस्तों, 13 फीट 7.5 इंच बाय 14 फीट 7.5 इंच, इसकी इस तरीके से डायमेंशन रहेगी। लेआउट की बात करें तो इस तरीके से हमने बेडिंग रखी है, टीवी पैनल लगाना है तो आपको इस वॉल पर आप टीवी पैनल लगा सकते हैं। पीछे की तरफ आप अपनी सिटिंग रखेंगे, 10 फीट की आप यहाँ पे विंडो दे सकते हैं। वॉक इन क्लोजेट रहेगा, टॉयलेट रहेगा। सबसे पहले क्लोजेट देखते हैं, 3 फीट की ओपनिंग है, उससे आप एंट्री करेंगे अपने ड्रेसिंग एरिया के अंदर, जिसके अंदर आपके पास 8.5 फीट की 2 वार्डरोब्स रहेंगी। सामने की तरफ आप चाहे तो यहाँ पर अपनी ड्रेसिंग टेबल प्लस आपकी सिटिंग भी रख सकते हैं। डायमेंशन देखिए, 8.5 बाय 8 फीट का आपका वॉक इन क्लोजेट रहेगा। नीचे की तरफ देखेंगे, अटैच टॉयलेट है, 2.5 फीट का दरवाजा है जिससे आप टॉयलेट में एंट्री करेंगे, 8.5 बाय 8 फीट 3 इंच का आपका टॉयलेट रहेगा। लेआउट टिपिकल रहेगा हमारा, एंट्री करके आपको यहाँ पे वॉश बेसिन मिल रहा है, यहाँ पे ग्लास पार्टीशन के बाद आपका WC का स्पेस रहेगा, प्लस ये आपका बेडिंग स्पेस रहेगा, यहाँ पर आप टॉवल वगैरह लगा सकते हैं। सामने की तरफ आप देखेंगे, यहाँ 4 फीट वार्डरोब का स्पेस रहेगा फॉर टॉयलेट की स्टोरेज के लिए, 2 फीट का वेंटिलेटर रहेगा फॉर लाइट एंड वेंटिलेशन ऑफ दिस टॉयलेट स्पेस। गाइज, ये हमारा आज का प्लान था, जिसके अंदर आप देख सकते हैं हमने 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट, लिविंग एरिया, किचन एंड डाइनिंग, प्लस यूटिलिटी एरिया, एंट्रेंस फॉयर एंड 2 कार पार्किंग्स, प्लस आपका वुडन डेकिंग वगैरह ओपन सीटिंग के साथ हमने 56 बाय 60 फीट के अंदर प्लानिंग करके दी है, जिसका एरिया बनता है 2500 स्क्वायर फीट। एस्टिमेटेड इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहेगी लगभग 21 लाख। सो प्लान कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कोई क्वेरी रह गई हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, सो दैट कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके और आपसे कोई भी प्लान मिस ना हो। बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, गुड बाय दोस्तों।